आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। थंबनेल आपने बिल्कुल सही पढ़ा। अभी अभी जो नोटिफिकेशंस आई हैं उसमें बहुत ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूज़न है। कन्फ्यूज़न क्या है कि सर जो हम घर किराए पर देते हैं, जो हम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी किराए पर देते हैं, उसमें RCM लग गया है, वो टैक्सेबल है, एग्जेम्प्ट है, क्या क्या हुआ है जरा बताएं। तो इस वीडियो में सिर्फ हम घर की बात करेंगे, पूरा डिस्कशन करेंगे, प्रॉपर्टी की बात करेंगे कि किस पर GST लगता है, किस पर RCM लगेगा, किस पर नहीं लगेगा। ठीक है, पूरा इस वीडियो में डिटेल एनालाइज करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो चलिए बात करते हैं कि एक नोटिफिकेशन नंबर 5 आई 13 जुलाई को और उसने क्या बोला कि भाई हम RCM लगाएंगे घर के ऊपर। अरे भाई पहले ये चीज समझो, इस नोटिफिकेशन को बाद में पढ़ना, सबसे पहले आपको ये पढ़ना जरूरी है कि जब भी किसी चीज पर RCM लगता है तो हमारे को ये चेक करना होता है कि वो सर्विस हमारी टैक्सेबल है। क्योंकि जब तक कोई सर्विस टैक्सेबल ही नहीं है तब तक आप उस पर RCM लगा ही नहीं सकते। तो जब हमने इसकी पड़ताल करी और हमने देखा कि भाई ये वाली सर्विस के ऊपर अब ये RCM लगा रहे हैं तो इसका मतलब इन्होंने इस सर्विस को टैक्सेबल कर दिया है। तो हमने एक दूसरी नोटिफिकेशन चेक करी तो वहां पर जो एक नोटिफिकेशन आई तो उसमें क्या लिखा गया, नोटिफिकेशन नंबर 4 में क्या लिखा गया कि भाई एक सर्विस ऐसी है जिसकी हम एग्जेम्पशन विथड्रॉ कर रहे हैं, मतलब कि अब हम उसे टैक्सेबल बना रहे हैं। ठीक है, अब जब वो टैक्सेबल सर्विस बन जाएगी तो इसके बाद डिसाइड होगा कि हम जो टैक्स लेंगे वो फॉरवर्ड चार्ज में लेंगे या रिवर्स चार्ज में लेंगे। तो पहले आपको ये समझना होगा कि पहले एग्जेम्पशन क्या थी। अगर मैं पुरानी एग्जेम्पशन पे जाता हूं तो पुरानी एग्जेम्पशन क्या कहती है कि भाई अगर आप कोई भी सर्विसेज दे रहे हो, अगर आप कोई भी सर्विसेज दे रहे हो और उसके अंदर आपने रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग करी फॉर यूज एज रेजिडेंस। कहने का मतलब क्या है कि तुम्हारा घर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होना चाहिए और वो किराए पर भी कैसे यूज होना चाहिए, रेजिडेंस की तरह ही होना चाहिए, तो हम इस सर्विस को एग्जेम्प्ट करते हैं। लेकिन अब इसका बैकग्राउंड समझना, मेरा एक क्लाइंट है, ठीक है ना, मान लो जैन इंटरनेशनल। अब ये व्यक्ति क्या करता है, इसने घर किराए पर ले रखा है और ये उस घर का किराया देता है 1,00,000 रुपए महीना, लेकिन ये इसी घर से अपना बिजनेस भी ऑपरेट करता है। जब ये अपना बिजनेस ऑपरेट कर रहा है इसी घर से, ठीक है, तो यहां पर सर्विस क्या थी, सर्विस बाय रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज रेजिडेंस। जब मैं इसके घर पर जाता हूं तो पूरा घर, आप मानो बिजनेस भी वहीं चल रहा है और साथ के साथ में रेजिडेंस में भी यूज हो रहा है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई हमें इस व्यक्ति से टैक्स लेना है, ये वाली सर्विस हम एग्जेम्प्ट नहीं करेंगे। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग घर से ऑनलाइन अपना बिजनेस चलाते हैं, तो ऐसे बहुत सारे लोग अपने फ्लैट में रहते हैं लेकिन इस एग्जेम्पशन की वजह से वो बेनिफिट उठा रहे थे। क्या कह रहे थे, सर्विस बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज रेजिडेंस, कि भाई हमने तो ठीक है लिया क्या है, रेजिडेंशियल लिया है और लिया क्या है, रेजिडेंशियल पर्पज के लिए, तो हमें टैक्स नहीं देना। तो गवर्नमेंट ने पहले क्या करा, इनकी जो नोटिफिकेशन डालकर इनकी जो एग्जेम्पशन है उसे विथड्रॉ कर लिया और क्या लिखा कि भाई आज के बाद आप जब इस नोटिफिकेशन को पढ़ोगे एग्जेम्पशन वाली को, क्या लिखोगे कि द वर्ड एक्सेप्ट वेयर द रेजिडेंशियल ड्वेलिंग इज रेंटेड टू रजिस्टर्ड पर्सन, कि भाई मालिक लोग आप अपना घर किराए पर देना, जिस मर्जी को देना, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। एक तो हो गया कि भाई हमने किराए पर दे दिया, 2,000 रुपए में लोग बाग रह रहे हैं, उस पर अभी भी एग्जेम्पशन है, ठीक है। लेकिन अगर आपका कोई किराएदार, अगर आपका कोई किराएदार रजिस्टर्ड पर्सन हुआ, अगर आपका कोई किराएदार रजिस्टर्ड पर्सन हुआ तो उस पर उस सर्विस पर टैक्स लगेगा। अब वो लैंडलॉर्ड कहता मैं तो टैक्स नहीं दूंगा, मैं क्यों टैक्स दूंगा, क्योंकि मेरी तो क्या रेजिडेंशियल ड्वेलिंग है, ठीक है। गवर्नमेंट ने कहा चलो ठीक है, हम तुमसे वैसे भी नहीं ले रहे टैक्स, क्योंकि तुमसे कलेक्ट करना बड़ा मुश्किल है टैक्स, लेकिन ये व्यक्ति हमारे GST रजिस्ट्रेशन में आया हुआ है, ये रजिस्टर्ड है, तो हम टैक्स का कलेक्शन इस व्यक्ति से करेंगे।
तो पहले तो आपको ये समझना है कि सर्विस टैक्सेबल कौन सी हुई है। सर्विस वो टैक्सेबल हुई है कि अगर आपने घर दिया किसी रजिस्टर्ड पर्सन को। अभी भी आप जब भी किसी किराएदार को घर दो, आप पूछ लेना भाई रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड, अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो अभी भी वो सर्विस एग्जेम्प्ट है। तो अगर आप अपना घर किसी व्यक्ति को दे रहे हो, सैलरी वाले को दे रहे हो, नॉर्मल व्यक्ति को दे रहे हो जो रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है ना, तो वो सर्विस आज की डेट में एग्जेम्प्ट है, उस पर टैक्सेबल नहीं लगा। लेकिन अगर आपने अपना घर दिया और रजिस्टर्ड पर्सन को दे दिया, अब रजिस्टर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है, कोई कंपनी हो सकती है, कोई प्रोप्राइटरशिप फर्म हो सकती है। सर कंपनी क्यों लेगी घर किराए पर? अरे भाई कंपनी कई बार, अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो बहुत सारी कंपनी ऐसी है, बहुत सारी सीए फर्म ऐसी है जो रेजिडेंशियल में अपना बिजनेस कर रही है, कई लोग अपने एम्प्लॉइज के लिए ले लेते हैं। तो पहले आपको ये क्लियरिटी आनी जरूरी है कि जो किराएदार है अगर वो रजिस्टर्ड है तभी टैक्स लगेगा। अब जब इस पर टैक्स लग गया तो कई लोगों ने बोला कि भाई अब टैक्स का कलेक्शन कैसे होगा, तो इन्होंने बताया कि भाई टैक्स का कलेक्शन हम कैसे करेंगे। इन्होंने कहा कि हम रिवर्स चार्ज में टैक्स लेंगे, क्योंकि हम लैंडलॉर्ड से टैक्स नहीं लेंगे, हम किससे लेंगे? किराएदार से, क्योंकि किराएदार रजिस्टर्ड है। तो यहां पर वर्ड आया सर्विस बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, कि भाई अगर आपने रेजिडेंशियल ड्वेलिंग दी रजिस्टर्ड पर्सन को, ठीक है ना, कोई भी पर्सन दे रहा है, किसे दे रहा है? रजिस्टर्ड पर्सन को, तो हम आरसीएम में टैक्स लेंगे। अब इसके बाद नटसेल में पिक्चर क्या निकल कर आई, मैं पूरे चार्ट से समझा देता हूं, ठीक है ना, आपको क्लियर हो जाएगा। हमने कहा रेजिडेंशियल ड्वेलिंग, ठीक है, घर क्या है? रेजिडेंशियल है, लेकिन रेजिडेंशियल पर्पज के लिए दे रहे हैं, हम रेजिडेंशियल यूज के लिए दे रहे हैं। पहले ये एग्जेम्प्ट था, अब क्या हो गया? पहली बात टैक्सेबल हो गया। कब हो गया टैक्सेबल? अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हैं। टैक्स कौन देगा? वो रजिस्टर्ड पर्सन। अब मैं बात करता हूं कि रेजिडेंशियल घर था, रेजिडेंशियल ड्वेलिंग था, लेकिन कमर्शियल पर्पज के लिए दिया था। किसके लिए दिया था? घर मेरा था, लेकिन मैंने पहले ही बोल दिया था कि भाई मैं इसमें कमर्शियल यूज करूंगा, कोचिंग सेंटर चलाऊंगा, कुछ भी चलाऊंगा। हालांकि रेजिडेंशियल में कमर्शियल यूज कर नहीं सकते, लेकिन कर रहे थे यूज, ठीक है, कमर्शियल यूज के लिए दिया था। तो ये पहले से ही क्या था? टैक्सेबल था, ये पहले से ही टैक्सेबल था। इसमें टैक्स कैसे कलेक्ट किया जाता था? फॉरवर्ड चार्ज में। किसमें किया जाता था? फॉरवर्ड चार्ज में। अब यहां पर इस चीज को समझना, अब एक व्यक्ति कह रहा है जी मेरी तो रेजिडेंशियल यूनिट थी, मैंने कमर्शियल यूज के लिए किसी कंपनी को किराए पर दे दिया था, तो क्या अब इस पर भी आरसीएम आएगा? अब आप इस एंट्री को पढ़ो, सर्विस बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग टू ए रजिस्टर्ड पर्सन। यहां पर यह नहीं लिखा कि आपका रेजिडेंशियल यूज है या कमर्शियल यूज है। जब यहां पर यह चीज नहीं लिखी तो मेरा मानना ऐसा है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना कि अगर आप कोई रेजिडेंशियल यूनिट किसी कमर्शियल यूज को दोगे तो वो तो रजिस्टर्ड पर्सन को दे ही रहे हो, तो यहां पर भी आरसीएम आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपने रेजिडेंशियल ड्वेलिंग किसे दी है? कमर्शियल यूज के लिए दी है, ठीक है। तो इस वाली नोटिफिकेशन में आरसीएम में यह भी कवर हो जाएगा। अब तीसरा ले लेते हैं, एक व्यक्ति है कमर्शियल यूनिट है उसकी और उसने कमर्शियल यूज के लिए ही दी, कमर्शियल यूनिट है और कमर्शियल यूज के लिए दी, तो ये पहले भी टैक्सेबल थी, अब भी टैक्सेबल, क्या इस पर आरसीएम आ जाएगा? नहीं, इस पर आरसीएम नहीं आएगा। अगर इसकी टर्नओवर 20 लाख से कम है तो इसे कोई भी जीएसटी नहीं देना, चाहे ये बेशक रजिस्टर्ड है फिर भी आरसीएम नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर वर्ड क्या आ गया? कमर्शियल यूनिट आ गया। एक लास्ट ले लेते हैं कि कमर्शियल यूनिट है, ठीक है ना, है कमर्शियल यूनिट मतलब फैक्ट्री एरिया है, लेकिन हमने उसे किसी को रेजिडेंस के लिए दे दिया, हालांकि ऐसा बहुत कम होता है, तो क्या इस पर पहले भी टैक्स था? हाँ जी, इस पर पहले भी टैक्स था। क्या अब इस पर क्या होगा? सर इस पर अब भी टैक्स होगा, लेकिन किस में होगा? फॉरवर्ड चार्ज में होगा। तो यहां पर जो गवर्नमेंट ने इन दो नोटिफिकेशन से कवर अप करने की कोशिश करी है, इन्होंने उन लोगों को कवर अप किया है कि भाई अगर आप अपना घर किराए पर दे रहे हो ऐसे व्यक्ति को जो उस घर में रेजिडेंस दिखाकर कमर्शियल यूज कर रहे हैं, ऑनलाइन करोड़ों करोड़ों की सेल कर रहे हैं, तो अब हम उससे आरसीएम लेंगे। लेकिन अगर आप अपना घर किसी ऐसे व्यक्तियों को दे रहे हो, ठीक है ना, जो छोटे आदमी है, 2,000, 4,000, 10,000, 20,000, 50,000 किराया दे रहे हैं, लेकिन रजिस्टर्ड नहीं है, तो वो अब भी एग्जेम्प्ट है, पहले भी एग्जेम्प्ट था। ये चीज आपको समझनी है।
आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा, लेकिन अगर फिर भी समझ नहीं आया तो 24 जुलाई को हमने वेबिनार ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, मैं और शिवा गोयल जी जो काउंसिल मीटिंग हुई है उसका डिस्कशन करेंगे, एग्जेम्पशन में जो चेंज हुए उसका डिस्कशन करेंगे, आरसीएम की एंट्री का डिस्कशन करेंगे, रेट चेंजेज होंगे उनका डिस्कशन करेंगे, जो नई 3B आई है उसका डिस्कशन करेंगे, जो सर्कुलर आए उसका डिस्कशन करेंगे, पूरे 3 घंटे में डिस्कशन करेंगे। तो अगर आपने इस वेबिनार में अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो अभी भी इसमें रजिस्ट्रेशन करा लो, ठीक है ना, जिससे कि आपको सारी डिटेल जैसे मैंने अभी बताई वो सारी डिटेल हम आपको बता दें। और हाँ, इस बार हमने क्या करा है, आईपीसीसी वालों के लिए, सीए के अंदर जो आईपीसीसी वाले बच्चे होते हैं उनके लिए हमने ना डिस्काउंटेड प्राइस में ना जीएसटी की क्लासें निकाल दी। भैया क्या करा है, पूरा जीएसटी उन्हें पढ़ाएंगे जो उनके कोर्स में आता है, कितने घंटे के अंदर, 70 घंटे के अंदर पढ़ा देंगे, ठीक है ना जी, उसमें आरटीपी एमटीपी एमसीक्यू सब ले लेंगे, ठीक है। और फीस कितनी ले रहे हैं, सिर्फ 2999। ये बैच हमारे लक्ष्मी नगर सेंटर पे चलेगा शाम को 6 बजे से 8:30 बजे तक, ठीक है, 2 अगस्त से चालू होने वाला है। तो इसका रजिस्ट्रेशन करा ले जिससे कि आप आईपीसीसी एग्जाम में पास हो जाए, ठीक है ना, इस बैच को ज्वाइन करने के बाद। चलिए आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, चैनल को आपने सब्सक्राइब कराई दिया है, अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा दो, जिससे जब भी कभी हम लाइव आते हैं या कोई भी वीडियो डालते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अपने दोस्तों से इस चैनल को सब्सक्राइब करा लो। इस वीडियो को आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ, क्या आपको ये क्लियरिटी आई या नहीं, अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, हम कोशिश करेंगे कि आपकी सारी कंफ्यूजन दूर कर दें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद करते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग।